पवित्र समय है, हम इस करुणामाला विनती में आज प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से तमाम लोगों के लिए जो रोग शैया पर हैं, जो बीमार हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र हाथों से इन सभी लोगों को स्पर्श कीजिए। प्रभु हम तेरे पांच घावों पर मनन चिंतन करते हैं, तेरे 40 कोड़े जो तूने अपने बदन पर हमारे लिए खाए, हम मनन चिंतन करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी लोग जो मेरे साथ इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपके घर को शुद्ध करे, पवित्र करे, आपकी मन्नतों को पूरा करे। प्रभु का वचन कहता है, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। इस पवित्र करुणामाला विनती में अपने तमाम निवेदन और प्रार्थनाएं समर्पित कीजिए।
अपनी संतानों को, अपनी बेटी बेटे, अपने परिवार, अपने दाम्पत्य जीवन को समर्पित करना। मांगने वाले को दिया जाता है, खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। इसी विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि कर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने और विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। सृजन हा दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सृजन हा दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए
प्रियजनों, प्रभु का वचन स्रोत संख्या 41 पद संख्या 4 से 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु उसे रोगशैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। इसलिए मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता स्रोत संख्या 30 पद संख्या 3, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे सभी बीमारों के लिए। हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान करें। हमारे परिवारों पर दया करें, हमारे बच्चों पर, आपके नाती पोतों पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रभु दया करें। इसलिए हम इस वक्त विशेष रूप से बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आपका जवाब होगा, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं उनके दुखों के नाम पर। हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। पावन आत्मा दया करो, मालन हारा दया करो। 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 शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम, दया करो, दया करो, दया करो। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। इसलिए प्रवक्ता कहता अध्याय 38 पद संख्या 9, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि यशायाह लिखता है,
वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम प्रार्थना करें, प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त जितने भी लोग अत्याचार सहते हैं, प्रभु उन पर दया करें, उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवारों में जो चिंता है, आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, सहनशीलता की कमी है, क्षमा की कमी है, प्रभु हम पर और हमारे परिवारों पर दया करें। वो हमें और हमारे परिवारों को क्षमा करें, वो हमें और हमारे माता पिता और बुजुर्गों को क्षमा करें। इसलिए आपका जवाब होगा, हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर, हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर, हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवारों को क्षमा कर। मेरे चरणों में नतमस्तक है हम, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम, पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, सब
संतों के लिए भी आप निरंतर विनती करते रहें। संत पौलुस लिखता है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि मैं सुसमाचार में बंधा हुआ प्रभु का राजदूत हूं। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आप लोगों के विषय में ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर की यही इच्छा है। और प्रभु कहता है कि वह तुम्हें चंगा करेगा, वह तुम्हारा घाव भर देगा। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु कहता, अब मैं इन्हें चंगा करूँगा, मैं लोगों को चंगा करूँगा और प्रचुर शांति और सुरक्षा उन्हें प्रदान करूँगा। हम चौथे भेद में प्रार्थना करेंगे, अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों और नेताओं के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, कि ये अपनी प्रजा की अगुवाई निस्वार्थ रूप से कर सकें। इसलिए आपका जवाब होगा, सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर, सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर, सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम भी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी अधिकारियों और नेताओं पर दया कर। संकट मोचन तू कृपा होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1, आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसने हमको घायल किया है, वही हमें चंगा करेगा, उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु
वो प्रभु है जो चंगा करता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए वो अपने लोगों को आमंत्रित करता है कि आओ, तुम मेरे पास लौट कर चले आओ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा। ऐसे तमाम लोग जो निराश हैं, हृदय से टूटे हुए हैं, प्रभु से दूर चले गए हैं, जो भटक गए हैं, प्रार्थना में और विश्वास में कमज़ोर हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें। इसलिए आपका जवाब होगा, हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर, हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं उनके दुख भोग के नाम पर। हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर, हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी भटके हुए लोगों पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता व अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु,
अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय मन आत्मा चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट पीड़ा व रोगों से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर भय घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर मन आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम और न्याय का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। जो घुटना टेक सकते हैं टेके, हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया गया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। तू अपने इन विश्वासियों की मन्नतों को पूरा कर। तेरे इन बच्चों ने आंसू बहाते हुए तुझसे दया की भीख मांगी है, इन पर दया कर दे। तेरा हृदय जो अपार करुणा से भरा हुआ है अब उससे करुणा और दया उमड़ पड़े और तू इन बच्चों पर दया प्रदर्शित कर।
निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दे, रोगशैया पर पड़े हुए लोगों को प्रभु चंगा कर दे, जो बेरोजगार हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज से पीड़ित हैं, प्रभु दया कर अपने इन विश्वासियों की सुधि लेने की कृपा कर। हमारी इस प्रायश्चित की प्रार्थना से प्रसन्न होकर तू दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर दे। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमेन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सबको जय यीशु की।